कहानी शुरू होती है और हम एक खूबसूरत से और जवान लड़के को देखते हैं, जिसे देखकर ही अच्छे अच्छों का खड़ा हो जाए। इस लड़की ने आज से पहले कभी भी मास्टरबेट नहीं किया होता और इस लड़की की असली कहानी वही समझ सकता है जिसने खुद कभी मास्टरबेट ना किया हो। अगर आप मास्टरबेट कर चुके हैं तो मूवी को स्किप कर दे, क्योंकि यह स्टोरी आपकी समझ से परे है। इस खूबसूरत सी लड़की का नाम जैना है और आज ही एक पार्टी में आई हुई है। तभी जैना के पास क्लिफर नाम का एक आदमी आता है और वो बहुत ही पैसे वाला होता है। क्लिफर जैना की हॉटनेस देखकर उससे गंदी गंदी बातें करता है, जिसे सुनकर जैना भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और वो दोनों टीचक पूजा के सॉन्ग पर डांस करने लगते हैं। लेकिन जैना के फ्रेंड लल्लू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो तो खुद जैना के लेने के सपने देख रहा था। क्लिफर और जैना की ये मुलाकात अब प्यार में बदल चुकी थी, जिसके बाद अब ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करते टाइम ये दोनों एक दूसरे से कसम करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ वफादार रहेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब उन दोनों की रात खपखप करते हुए मजे में निकलती है। पर अगले दिन क्लिफर को सेना में जाना पड़ता है, क्योंकि वो एक सोल्जर था। जंग के दौरान क्लिफर घायल हो जाता है और उसे वापस घर के लिए भेज दिया जाता है। फिर हम देखते हैं आज क्लिफर घर आ रहा था और सब बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो जैना थी, क्योंकि आज काफी दिनों के बाद उसकी सूखी पड़ी जमीन में पानी डालने वाला आ रहा था। अब क्लिफर वहाँ पर आ जाता है, जिसे देख जैना बहुत खुश होती है। तभी हम देखते हैं उस जंग में घायल होने की वजह से क्लिफर के पेट के नीचे की बॉडी पूरी पैरालाइज हो चुकी थी। अब क्लिफर अपनी हालत से लाचार था और वो सबको थैंक यू बोलकर अंदर आ जाता है। वही जैना क्लिफर को देखकर खुश तो थी, पर वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा दुखी भी थी, क्योंकि उसकी गुफा की खुदाई करने वाला औजार ही अब ढीला पड़ चुका था। इनकी खुशियों से भरी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आएगा ये इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इसी बात से दुखी होकर क्लिफर खुद को मारने की कोशिश भी करता है, पर जैना उसे रोक लेती है और वो उसे विश्वास दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहे। लेकिन जिम नाम का आदमी काम मांगने के लिए क्लिफर के पास आता है। जब क्लिफर उससे बात करता है तब उसे पता चलता है कि जिम भी उसी जंग में उसके अंडर में काम कर रहा था। क्लिफर इससे काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने नीचे वाली झाड़ियों की सफाई के काम पर रख लेता है। अपाहिज होने की वजह से क्लिफर अपने लिए एक गाड़ी खरीदता है और वो जब उस पर बैठकर घूमता है तो उसे ऐसे लगता है मानो उसके पैर अब वापस आ गए हो। फिर एक दिन वो जैना के साथ जिम के पास जाता है, जो कि जंगल में बने एक कॉटेज में रहता था। वहाँ पर पहली बार जैना जिम को देखती है और उसकी मस्त बॉडी देखकर वो उससे प्यार कर बैठती है। अब वहाँ से वापस जाते वक्त जैना जिम को इशारा देती है, पर जिम उसे समझ नहीं पाता। अब अगले दिन एक मैच जैना से कहती है कि जिम अपने कॉटेज की चाबी मांग रहा है। अब जैना खुद उसे वो चाबी देने उसके पास चली जाती है और जब जैना उसके पास पहुँचती है तो जिम उससे ठीक से बात नहीं करता और कहता है आपको ये तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। जैना को जिम के इस बिहेवियर पर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जिम जैना को एक लेटर लिखता है, जिसमें वो अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है। इसके बाद जैना फिर से उससे मिलने के लिए उसके कॉटेज में जाती है, जहाँ पर जिम काले रंग की चड्डी पहनकर अपना काम कर रहा था। वहाँ पहुँचकर जब जैना उसकी चड्डी से झलकते हुए औजार और उसके बदन को देखती है तो उसके भी तन बदन में आग लग जाती है। ये देखकर जैना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो जिम के पास जाने लगती है, लेकिन तभी जिम भी उसे देख लेता है और जल्दी से अपने पूरे कपड़े पहन लेता है, क्योंकि वो जैना की इज्जत करता था। जैना को ये जगह बहुत पसंद थी और वो जिम को कहती है मैं हर रोज यहाँ पर पेंटिंग करने आऊंगी, पर जिम उसे कहता है कि मैं ये जगह आपके लिए साफ कर दूंगा और मैं कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा। लेकिन जैना उसे कहती है तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और तुम उससे इतना भाग क्यों रहे हो। यहाँ पर जैना जिम से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, पर तभी यहाँ पर बारिश हो जाती है, इसीलिए वो जिम के साथ उसके कॉटेज में चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों आग जलाकर खुद को गर्म करने लगती है। लेकिन जैना कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाती है और वो जिम से अपनी गुफा को पिलवाने लगती है। तभी जिम वहाँ से उठ जाता है, क्योंकि वह जैना के इरादे समझ रहा था। फिर जैना उससे पूछती है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। तब जिम उससे कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा, जिम ने जैना को इग्नोर कर दिया था, इसलिए वो वहाँ से उठकर घर चली जाती है। फिर एक दिन जैना क्लिफर्ड से कहती है कि मुझे बहुत ही अफसोस है कि हमारा कोई बेबी नहीं है, जिस पर क्लिफर्ड कहता है कि मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ। और अपना औजार खड़ा करने के लिए वो अपनी बॉडी में करंट के झटके देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द भी होता है और वो चिल्लाने लगता है। अब आखिर में जैना से उसका दर्द देखा नहीं गया, इसलिए वो क्लिफर्ड को रोक देती है। अब क्लिफर्ड अपना औजार खड़ा करने में कामयाब नहीं होता, इसलिए वो रोने लगता है। अब इसके अगले दिन जैना जंगल में जाती है और तभी उसे जिम के काम करने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो तुरंत उसके पास चली जाती है, जहाँ पहुँचकर वो छोटे चूजों को देखती है और उन्हें देखकर वो रोने लगती है। चूजों को देखकर उसे अपने बच्चों की याद आने लगती है, जो वो शायद कभी पैदा नहीं कर पाएगी, इसलिए वो रोने लगती है। अब जैना को रोते हुए उसका खूबसूरत बदन देखकर जिम उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। अब जिम भी जैना को पसंद करने लगा था और वो उसकी लेना चाहता था, इसलिए वो उसे अपने कॉटेज में ले जाता है, जहाँ वो उसको खूब चूसता है और उसके साथ जमकर खपागप करता है। जैना पूरे दिन जिम के साथ रहकर बार बार उसके साथ खपागप करती है। और फिर शाम को जब जिम जैना को छोड़ने घर के लिए जा रहा होता है, तब जैना उससे पूछती है कि आज जो तुमने मेरी जमकर बजाई
क्या तुमको इसका कोई पछतावा है? जिस पर जिम उससे कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो। अब उसी रात बहुत तेज तूफान आता है और बादल गरजने लगते हैं। जिम को चैना की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए वो बहुत दारू पी लेता है। दूसरी तरफ चैना की नींद भी अब उड़ चुकी थी और वो भी जिम की याद में पगला गई थी और सो नहीं पाती। उसमें इतनी हवस जाग चुकी थी कि वो खिड़की से जिम के घर की रोशनी को देखती है और वो खुद को रोक नहीं पाती और तोड़ते हुए जिम के पास चली जाती है। लेकिन तभी चैना के घर की एक मेड चैना को जाते हुए देख लेती है। चैना जाते ही जिम के गले से लिपट जाती है तो जिम उससे कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे मिलने आओगी। तब चैना जिम से कहती है, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर जिम उसे पकड़ लेता है और वही उसको बजाने लगता है। अब एक दिन क्लिफर्ड के घर पर पार्टी होती है, वहाँ पर चैना का वही दोस्त आया होता है। फिर क्लिफर्ड देखता है कि चैना और उसका दोस्त साथ में डांस कर रहे होते हैं। ये देखकर क्लिफर्ड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन क्लिफर्ड चैना से कहता है, तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से इम्पोर्टेंट एक बच्चा पैदा करना है। चैना हमेशा से ही एक बच्चा चाहती थी और इसीलिए शायद क्लिफर्ड को लगता है कि चैना अपने दोस्त के करीब जा रही है। ये सुनकर चैना बहुत गुस्सा हो जाती है। इस पर क्लिफर्ड उससे कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी से भी अपना बच्चा पैदा करो, बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए। अब इस बात से गुस्सा होकर चैना जिम के पास चली जाती है और उसके साथ जिम की गपागप करती है। अब एक दिन चैना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस बात को क्लिफर्ड को बताती है। फिर ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो उससे उस आदमी का नाम पूछता है, लेकिन चैना उस आदमी का नाम नहीं बताती। एक दिन क्लिफर्ड जिम से मिलने उसके पास जाता है और वो चैना को भी अपने साथ चलने को कहता है। अब वो दोनों जा ही रहे होते हैं तभी जिम पीछे से आता है और चैना के संतरों को दबाकर उसे किस करने लगता है। जब वो दोनों किस कर रहे थे तभी क्लिफर्ड चैना को आवाज लगाता है। दरअसल क्लिफर्ड की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी, तभी वहाँ पर जिम आता है और उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लगता है और इसी दौरान वो खांसने लगता है क्योंकि खदान में काम करने की वजह से उसके दोनों लंग्स खराब हो चुके थे। फिर चैना क्लिफर्ड से कहती है कि तुम जिम को धक्का लगाने से मना कर दो, नहीं तो वो मर जाएगा। लेकिन क्लिफर्ड ऐसा नहीं करता। अब आखिरकार क्लिफर्ड की गाड़ी को कीचड़ से निकाल देता है और खांसते हुए वहाँ से चला जाता है। अब एक दिन चैना की मेड जिम के कॉटेज में जाती है जहाँ पर उसे चैना की डायरी मिलती है और उस डायरी को देखकर वो समझ जाती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो जिम का है। एक दिन क्लिफर्ड अपने आने वाले बच्चे की खुशी में एक पार्टी रखता है, तभी वहाँ पर वही मेड आती है और वो क्लिफर्ड से कहती है चैना के पेट में जो बच्चा है वो जिम का है। और जब चैना क्लिफर्ड के पास आती है तब क्लिफर्ड उससे बहुत नाराज हो जाता है। अब चैना अपनी मेड के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब किसने बताया। इस पर वो मेड कहती है कि मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। चैना को लगता है कि मेड को शायद ये सब जिम ने बताया होगा, लेकिन मेड उससे कहती है कि जिम ने मुझे कुछ नहीं बताया। अब इस बात पर चैना रोने लगती है और मेड से कहती है कि वो जिम से बहुत प्यार करती है। फिर उसकी मेड उसके पास आती है और उससे कहती है कि जल्दी से जिम के पास जाओ वरना तुम्हारा पति क्लिफर्ड जिम को मार डालेगा। ये सुनकर चैना भागते हुए जिम के आउट हाउस में जाती है और देखती है वहाँ पर कोई नहीं होता। ये देखकर चैना रोने लग जाती है, पर तभी वहाँ पर जिम आ जाता है और उसे देखकर चैना उसे गले लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चैना क्लिफर्ड के घर पर आती है और वो क्लिफर्ड से डिवोर्स मांगती है, पर क्लिफर्ड उसे मना कर देता है और जिम को बुलाने के लिए कहता है। और जब जिम वहाँ पर आता है तो वो दोनों आपस में काफी बहस करते हैं और आखिरकार चैना और जिम क्लिफर्ड के घर को छोड़कर चले जाते हैं। फिर उनके जाते वक्त क्लिफर्ड वहाँ पर आता है और चैना को तलाक देने के लिए मान जाता है। क्या चैना ने क्लिफर्ड को तलाक देकर सही किया या गलत, यहाँ पर आपको खुद तय करना है कि चैना ने क्लिफर्ड के साथ जो भी किया सही था या गलत कमेंट में जरूर बताएं। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है।